जी का हैप्पी बर्थडे, बहन तेरा हैप्पी बर्थडे। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हमारे बड़े सम्मानित डॉक्टर महेश जी, तहे दिल से धन्यवाद दूंगा सभी को। जय भीम, जय भारत। सम्मानित साथियों, आज बड़ी खुशी का दिन है जो हम एकत्रित हुए हैं। आज बहन जी का 63वां जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सम्मानित साथियों, ये जन्मदिन आज जब हम उसका पूर्ण जप करेंगे, जब माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी कैसे? सम्मानित साथियों, हम एक एक वोट अपने यहाँ से, चाहे एनक का निशान हो चाहे हाथी का निशान हो, अपने पार्लियामेंट को यहाँ से जीता कर डालेंगे और माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिससे कि हमारी बहन जी इस देश के गरीब जनता, गरीब पिछड़े, गरीब शोषित लोगों का उद्धार कर सके और जो बाबा साहब का मिशन था उसका पूरा हो सके। तो आज हमें यहाँ से प्रण कर जाना होगा कि आज हमें एक एक वोट इन्हें लोग बसपा के खाते में डालनी होगी। सम्मानित साथियों, यहाँ इस देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी ने राज किया, एक पार्टी हमारी नहीं हो सकती। ये धरना सेठों की पार्टी है, ये हम लोगों की कोशिश हो ही नहीं सकती। इन्होंने झूठ की राजनीति की है। इस देश के अंदर पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी हम लोगों की कोशिश हो सकती है। इसलिए हमें सभी ने आज यहाँ से प्रण कर जाना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर हमारा जो प्रत्याशी होगा उसको भारी बहुमत से हमारे इस लोकसभा से जिताकर बहन जी की झोली में डालना होगा। ज्यादा समय हम ना लेते हुए हम पूरा समय अपने प्रभारी जी को देना चाहेंगे। मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज मेरा जन्मदिन है, शुक्रिया। और मेरे जन्मदिन को बीएसपी के लोग पूरे देश भर में व उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार के रहते हुए सरकार द्वारा भी हमारे महान संतों, गुरुओं वे महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सोच व मूवमेंट को ध्यान में रखकर ही इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके अंतर्गत पार्टी के लोग मेरे जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजित करके अपने अपने क्षेत्र के सर्व समाज में से खासकर अति गरीबों, असहाय, बेसहारा व अति जरूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में ज्यादा से ज्यादा मदद करने की भी पूरी पूरी कोशिश करते हैं। इस प्रकार से बीएसपी द्वारा ये एक ऐसी समाज सेवा है जो सत्ता में नहीं रहने पर भी हर वर्ष लगातार जारी रहती है। इसके साथ ही इस मौके पर मैं अपनी पार्टी के बारे में ये भी कहना चाहूंगी कि पूरे देश में बीएसपी ही केवल अकेली एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय संविधान के मूल निर्माता और यहाँ जातिवादी व्यवस्था व सांप्रदायिकता के अभी तक भी शिकार चले आ रहे विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के एकमात्र रहे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर ही इनका हर स्तर पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से विकास व उत्थान करना चाहती है।